जी सर, आपका नाम? मोहम्मद सलीम, मैं AICC मेंबर हूँ और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन रह चुका हूँ मैं। और आज के जो हालत है सलीम भाई, आप देख रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? जो आज माहौल चल रहा है, जो लोग परेशान हो रहा है, उस माहौल को, उस लोगों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए, लोगों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये आज इस मुल्क के अंदर या प्रदेश में जो माहौल चला है उसका, उसके लिए ख़ास तौर से BJP जिम्मेदार है। और BJP जब से सत्ता में आई है, चाहे देश की बात हो या प्रदेश की बात हो, पूरे देश के अंदर हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो गया है, अत्याचार लोगों पे हो रहे हैं, लोगों पूरे महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्याएं, ये आम बात हो गई हैं। लोगों का जीना दुर्बल हो गया है, यहाँ तक कि जो उद्योग थे वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। 80% उद्योग बंद हो गए हैं इस प्रदेश के अंदर। और ख़ास तौर से जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं या गरीब लोग हैं, वो तो पूरी तरह से इतने परेशान हो गए हैं जिसकी मिसाल नहीं है। ये जो माहौल अभी कुछ समय पहले बना था नोटबंदी का, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नोटबंदी, इन्होंने कहा था कि नोटबंदी होने से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। क्या हुआ आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ। इन्होंने कहा था नोटबंदी ख़त्म होने से जो काला धन है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो भी ख़त्म नहीं हुआ। सिस्टम तो वही है, सिस्टम वही के वही है। उन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी के बाद जो जाली नोटों का जो चलन था या जाली नोट छपते थे वो बंद हो जाएंगे, तो वो भी चालू है, ये सब चल रहा है। और इस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो जिम्मेदार है। अच्छा, ये GST से आप बताना चाहेंगे लोगों को कि GST से किन लोगों को फ़ायदा हुआ और किन लोगों को नुकसान हुआ, GST क्यों लगाई गई? फ़ायदा तो किसी को हुआ ही नहीं है। अगर नुकसान हुआ है तो व्यापारियों को नुकसान हुआ है। और मैं कुछ व्यापारियों से मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 80% के लगभग हमारे धंधे चौपट हो गए।